साथियों, दो दशक पहले यहां क्या स्थितियां थी ये आप भी जानते हैं, मैंने भी भली भांति देखा है। आजकल हम गुजरात के कई हिस्सों में अति वर्षा की चुनौती से जूझ रहे हैं, लेकिन गुजराती को बारिश आना यही अपने आप में इतना बड़ा सुख और संतोष होता है जिसका अंदाज बाहर के लोगों को नहीं है। कग आपने त्या तो 10 वर्ष में 5 वर्ष दुकाल पड़तो है, वरसाद माटे वलखा मारता हुई है, अने जारे भरपूर वरसाद थाय तो मन पर भराई जाए, अने दुष्काल नी आ स्थिति नु परिणाम शू, खेती में वरसाद थाय तो माड़ एकाद पाक लेवाय, पशुपालन ये पण थोड़ू घणू घासचारो मळवानी मुश्किली, अने पछी जो बे छोकराओने अहीं नथी राखवा, छोकराओने शहर में मोकलो, अमे अहीं गामडा में जिंदगी पूरी करी दईशुं। आ दिवसो आपणे जोयेला छे, और उस समय मैंने संकल्प किया था, आप लोगों के भरोसे संकल्प किया था, आप लोगों के साथ सहयोग पर अटूट विश्वास लेकर के संकल्प किया था कि स्थिति को बदलना है, और इसलिए जैसे जैसे सिंचाई की सुविधाएं इसका गुजरात में विस्तार हुआ, वैसे वैसे कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में हमने बहुत विकास की अभिवृद्धि की, और डेयरी ने उसे बहुत बड़ी ताकत दी। अर्थव्यवस्था को डेयरी ने स्थिरता भी दी, डेयरी ने सुरक्षा भी दी, और डेयरी ने प्रगति के नए अवसर भी दिए। हमारा बता, और दांतों की डेंटल ट्रीटमेंट तक की चिंता की थी, और आपको तो पता है पशु आरोग्य मेले में कुछ गाय जब उनके पेट को काटते थे तो 15-15, 20-20 किलो प्लास्टिक का वेस्ट निकलता था, और देखने वालों के आंख में पानी आ जाता, અને એટલે જ આપણે પ્લાસ્ટિકનો વપરાશ બંધ કરવાનું અભિયાન ચલાવ્યું છે ભાઈ। આ પ્લાસ્ટિક આપણા પશુઓ માટે દુશ્મન પુરવાર થાય છે। બીજી બાજુ પશુઓની ચિંતા, પશુઓ કો ચારા મિલ શકે, દાણ સારું મળે, પશુનો આહાર સારો મળે, અને આજે મને બહેનો એક આનંદની વાત કરી, शायद इसका प्रचार बहुत कम हुआ है, उन्होंने कहा कि हम पशु अगर बीमार होते हैं तो आजकल आयुर्वेदिक दवाई से हम पशुओं को ठीक करते हैं, यानी पशुओं के लिए जो हमारी परंपरागत दादी मां की परंपराएं घरों में रहती थी वे पुनर्जीवित हुई है, आयुर्वेदिक दवाओं से पशु की देखभाल। मैं गुजरात के डेयरी क्षेत्र के लोगों का, साबर डेयरी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपने पशुपालकों को आयुर्वेद दवा के द्वारा पशुओं की चिकित्सा का रास्ता और उसमें मदद की है।